अपने लास्ट लेक्चर में क्या लिया था, अपने प्रश्न आपके 8.2 चल रही थी, 5 क्वेश्चन अपने कर चुके थे। 6th क्वेश्चन है, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% ही क्या दे रहा है, छूट दे रहा है, कितने सेल लगे हुए अंकित मूल्य पर आपको कितने की छूट, बट्टा मतलब छूट ही दे रहा है। ₹1450 अंकित मूल्य वाला एक जींस है और दो कमीजे हैं जो जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य कितना है, 850। जींस का अंकित मूल्य कितना हो गया 1450 और एक कमीज का कितना है 850, दो का कितना हो जाएगा गुणा कर देंगे। वो खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा, तो कैसे निकालोगे, जींस का अंकित मूल्य कितना है, कितना दिया हुआ आपको 1450 रुपए दिया हुआ है, छूट कितनी दे दी इसने अंकित मूल्य पे, कितनी 10%, तो कैसे निकालोगे क्रय मूल्य है, या सीधा लिखेंगे क्या छूट कितने की दी है, छूट देखते हैं रुपए में कितनी हो जाएगी, 1450 का 10% निकाल दिया, 10 से 10 यानी उसने क्या किया 145 रुपए की छूट दी है, परसेंटेज में 10% की दी थी, रुपए में कितनी दी है 145 की। अगर देखें इसका क्रय मूल्य है कितना हो जाएगा, क्या करोगे माइनस कर दोगे 1450 में से 145, करो माइनस 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे मेरा 4, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 1 का 1, जींस एक जींस का क्रय मूल्य कितना हो गया 1305 रुपए। अब नेक्स्ट देखते हैं अपने, इसने क्या बोला है, अंकित मूल्य जींस का हो गया, दो कमीजे जिसमें से क्या दिया प्रत्येक का अंकित मूल्य, यानी प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य, प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा आपका 850 रुपए, पर आपको दे कितनी है दो दी है, तो निकालेंगे दो कमीज का अंकित मूल्य, दो कमीज का अंकित मूल्य निकालोगे, जैसे दो कमीज का अंकित मूल्य है या तो 850 प्लस 850 बढ़ना, क्या करोगे 850 का 2 से मल्टीप्लाई करो, जी 2 का 0 से गुणा किया 0, 2 5 10, 10 की 0 हांसल 1, 8 2 16 और 1 17, कितना हो गया 1700 हो गया, दो कमीज का अंकित मूल्य कितना हो गया 1700, इसने छूट कितने की दी है 10% की, तो ये क्या दी है परसेंट में छूट है, अगर अपने सीधा छूट निकाले तो क्या बच जाएगा अंकित मूल्य है यानी 1700 बट गुणा कितने परसेंट में छूट है 10 की परसेंट हटाया है इसलिए बटे में क्या आ जाएगा 100, काटो 10 से 10 कितना आ गया 170, 170 का 1 से गुणा करें कितना आ जाएगा 170 एकम 170 रुपए, दो कमीज में छूट कितने की मिल गई 170 रुपए की, तो अपने देखें दो कमीज का अगर क्रय मूल्य देखें, क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करोगे अंकित मूल्य में से जो आपको छूट मिली है उसको माइनस करेंगे, 1700 में से 170 माइनस किया करो 0 में से 0, 10 में 0 में से 7 नहीं जा सकता इसलिए क्या किया अपनोंने 10, 10 में 7 गया 3, यहाँ पे कितना बच गया 6, 6 में से 1 गया 5 और यहाँ पे क्या बच गया 1, यानी अपने को भुगतान कितने का करना पड़ा 1530 रुपए का। उसके बाद क्या करना था अपने को, इन्होंने क्या पूछा है कि किसी ग्राहक को भुगतान कितना करना पड़ेगा, कितना भुगतान करना पड़ेगा, भुगतान का मतलब वो क्रय मूल्य कितने रुपए में खरीद रहे हैं, तो देखो जोड़ेंगे क्या लिखोगे, एक जींस वे दो कमीज का क्रय मूल्य, या आप एक लाइन और लिख सकते हो ग्राहक को भुगतान करना पड़ेगा कितने रुपए का 1305 प्लस में 1530 रुपए, जोड़ेंगे 5 में 0 जोड़ा 5, 0 में 3 जोड़ा 3, 5 में 3 जोड़ा 8, 1 और 1 2, कितना हो गया 2835 रुपए क्या करने पड़ेंगे खर्च करने पड़ेंगे, अंकित मूल्य कितना भी दिखाओ दोनों के लिए अपने को कितने देने पड़ेंगे 2000
अगर आप डायरेक्ट यहां से करो 1450 बटे 90 इंटू 100 तो आपका सीधा क्या निकल जाएगा, क्रैम मूल्य निकल जाएगा। देखो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 नौ पंजे 45, नौ चौके 36, 36 और 4 39, नौ पंजे 45, नौ चौके 36, 36 और 4 40 होते हैं, फिर 9 एकम 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। तो देखो 1305 यहाँ पे आ गया, 1305 यहाँ पे। अगर आपको माइनस नहीं करना तो पहले माइनस कर लो 100 में से, जैसे ही माइनस करोगे तो आगे क्या हो जाएगा, आपको ये माइनस यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, उसी प्रकार हो जाएगा उसमें भी। ठीक है, ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेलीविजन का मूल्य है कितना है, 13,000 रुपए है, उस पर क्या कर दिया 12% की दर से बिक्री कर लगा दिया, तो क्या क्या टैक्स लगा दिया। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि कितनी होगी, टेलीविजन का मूल्य कितना है, टेलीविजन का मूल्य है 13,000 रुपए, बिक्री कर मतलब टैक्स लगाए तो क्या होगा, कम रुपए देने पड़ेंगे या ज्यादा, ज्यादा देने पड़ेंगे, कितना 12%, तो लिखेंगे तो विनोद द्वारा टेलीविजन के लिए भुगतान की गई राशि कितनी हो जाएगी। अब 13,000 तो उसे देने देने पड़ेंगे, 12% और देने हैं, तो यानी 13,000 कितना निकालोगे आप, 12 यानी 112%, काट दो 1 0 से 2 0 से 2 0 क्या बच गया 130 इंटू में 112। देखो डायरेक्ट 13 का टेबल आ जाओ, डायरेक्ट कर दोगे वरना गुणा कर लेना, 13 दुनी 26, 13 एकम 13 तो 15, 13 एकम 13 और 1 14, 14,560 रुपए किसको देने पड़ेंगे, विनोद को। देखो 13,000 रुपए तो टेलीविजन था पर लेकिन टैक्स भी लग गया, कितना 12% टैक्स लगेगा, तो क्या होगा अपने अपने को ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, जैसे ज्यादा रुपए देने पड़े निकालना तो कितने देने पड़ेंगे 14,560। यही क्वेश्चन आपसे पूछे है कि उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे ये लोग। ठीक है, 7वां क्वेश्चन आपके बिल्कुल सेम है इसलिए मैंने नहीं करवाया, आप खुद ट्राई करोगे। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपने। नाइन नंबर क्वेश्चन देखो, अरुण ने एक जोड़ी स्केटेस मतलब पहियेदार जूते जो होते हैं किसी सेल में खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर कितनी थी 20%, उसने भुगतान कितना किया यानी क्रय मूल्य उसने, यानी उसने कितने रुपए दिए दुकानदार को, 1600 रुपए दिए, तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो ऐसे में क्या करोगे, पहले अपने पास अंकित मूल्य दिया होता तो अब क्या करोगे, मानना क्या अंकित मूल्य कितना मान लिया एक्स रुपए, आपको छूट कितनी दी है 20%, तो क्या आ जाएगा, तो उसने कितने में खरीदा होगा, अपने हिसाब से भुगतान की गई राशि कितनी हो जाएगी, 100 में से क्या करोगे 20% यानी 80, ऐसे छोड़ दो सीधा करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, भुगतान की गई राशि कितनी है 1600, एक्स तो अंकित मूल्य है, छूट कितने की मिली है 20% की मिल चुकी है, यानी 100 रुपए की चीज आती है 20 रुपए की छूट मिलगी, 100 रुपए की चीज थी कोई, आपको 20 रुपए की छूट मिली तो कितने में मिलेगी 80 में, तो 80 बटे में 100 किसके अनुसार है, ये पर्सनल अनुसार है, कितने में मिल रही है 1600 रुपए में, आपको निकालना लग गया अंकित मूल्य का मतलब एक्स का मान, 1 0 से 1 0 क्या बच गया, गुना में 8 बटे में 10 बराबर 100।
1600। इसको क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे जैसे, तो क्या हो जाएगी ये संख्या पलट जाएगी, पलट दो, अरे 10/8 हो जाएगा ना, 10/8 जो कट रहा है काट दो, 8 2 16, 200 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000। यानी अपने कहने का मतलब है अंकित मूल्य एमआरपी कितना था 2000 पे, ज्यादा होगा तभी तो उसने छूट दी है, ज्यादा था, ज्यादा पे छूट मिली कि ना, छूट 2000 पे छूट मिली 20%, तुमने वो कितना रुपए देना पड़ा 1600 रुपए। अगर देखना चाहेंगे चेक करने के लिए 2000 पे कितने परसेंट की छूट मिली थी, 20% की छूट देखे, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कितनी, 2 2 4 400 रुपए की, 2000 से 400 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1600 रुपए। यही बात है से, ठीक है, क्या बोल रहा है, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, अंकित मूल्य मानना पड़ेगा, फिर छूट आपको दे दी है, बोल रहा है कि अंकित मूल्य है जो है उसके छूट के बराबर कितना है 1600, मतलब उसने कितने रुपए दिए हैं वो बता दिया, 20% की छूट दे दी तो कितने रह गए 80% रह गए, यानी 80/100, एक्स गुना 80/100 बराबर में कितना आ गया 1600। 1 0 से 1 0 कट गई, ये गुणा में है, बराबर के बाद जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाता है, यानी संख्या क्या हो जाती है पलट जाती है, 10/8, 8 2 16, 2 0 इसकी 200 हो गया, 200 का 10 से गुणा करें कितना आ गया 2000 पे, यानी कितना आ गया अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य बराबर 2000 रुपए। ये क्या आ गया आपका आंसर। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने खेल रहे 8% वेट से कितने रुपए में खरीदा 5400 रुपए में, वेट को जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मूल्य निकालना तो मानना, हेयर ड्रायर का मूल्य कितना ₹100, ठीक है, वेट सहित मूल्य कितना है 5400 रुपए, वेट लगी कितनी है 8%, 8% वही लाभ आने वाली बात है, लाभ हुआ है, यानी वेट तो क्या करोगे पर्सन अनुसार, एक्स का क्या करोगे 8%, 108% बराबर में कितना कर दोगे 5400, जो कट रहा है काट देंगे, कुछ नहीं कट रहा तो क्या करेंगे एक्स बराबर 5400, ये इधर जाएंगे किसमें हो जाएगा पलट जाएगा, यानी भाग में काटेंगे, पहले 9 के बड़े से काट रहे हैं, 9 6 54, 9 1 9 9 2 18, फिर 12 5 7, एक्स का 50 का 100 से गुना किया, 50 × 100 कितना आ जाएगा 5000 रुपए, एक्स का मान कितना आ गया 5000। कहने का मतलब क्या है, हेयर ड्रायर का मूल्य कितना हो गया 5000 रुपए, ठीक है, यही आपकी क्या होगी प्रश्नावली क्या होगी 8.2 कंप्लीट है, क्योंकि 11वां क्वेश्चन जो है सेम इसकी कॉपी है, क्या कह रहा है, कोई वस्तु है 18%, यहाँ पे 8 की जगह 18% है, जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 में खरीदी गई, यानी 1239 1239 इसमें में खरीदी गई, जीएसटी कितनी लगी थी 18% लगने के बाद इतने रुपए में खरीदी गई, कह रहा है इससे पहले का मूल्य है, सेम क्वेश्चन है आप कर लोगे, ठीक है, ये 8.2 अपनी कंप्लीट है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपने 8.3।